अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे उठ गई हूँ और तहज्जुद अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बनाने लगी हूँ सहरी, अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। आज बच्चों को नहीं जगाया क्योंकि अभी वो छोटे हैं, उनकी एज नहीं है ना, उन पर फ़र्ज़ हुए हैं रोज़े। तो कल भी उनको शौक था तो मैंने चलो रखवा दी, मैंने कहा चलो एक रोज़ा रख लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा गुजारा, लेकिन आज मैंने उनको नहीं जगाया क्योंकि अभी वो छोटे हैं, उनको अभी दिन में खाने पीने की ज़रूरत है, तो न्यूट्रिशंस पूरी नहीं होती इस तरह बच्चों की, इसलिए फिर मैंने नहीं जगाया आज उनको। और अभी बना रही हूँ मैं सहरी अपने लिए भी और हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि हम पे तो फ़र्ज़ है, हम तो छोड़ नहीं सकते रोज़ा। और चलिए बस बनाते हैं अभी सहरी, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सहरी करके नमाज़ मैंने अदा कर ली है और अभी मैं कर रही हूँ पूरे घर की सफाई। सफाई हो चुकी है, बस यहाँ से भी ये जो है ना कूड़ा वगैरह उठाना है, क्योंकि हमें सुबह होते ही जाना है हॉस्पिटल। मेरी भांजी का आज जो है ऑपरेट है, तो वहाँ हमारा होना लाजमी है क्योंकि उसके बाबा जो हैं वो होते हैं सऊदीया में, आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उसकी मम्मा ही होती हैं। तो मैं, मामा और हस्बैंड मेरे जाएंगे सुबह सुबह, क्योंकि ऑपरेट के टाइम पे होना ज़रूरी है किसी और बंदे का भी साथ। तो हमने सुबह सुबह निकलना था, इसलिए मैंने फ़ौरन से सफ़ाई शुरू कर दी। बस सफ़ाई कंप्लीट हो गई कि अभी थोड़ी देर के लिए सोते हैं, और क्योंकि रात रात को भी हम लेट आए थे वापस हॉस्पिटल से, तो फिर सुबह हमें निकलना है बस। तो मैं अभी सफ़ाई कर लूँ, फिर उसके बाद सो जाएंगे हम। जी सुबह आ गए थे 8 बजे हॉस्पिटल, अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल से वापस। अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन जो है वो हो गया है मेरी भांजी का, और अभी वो काफ़ी बेहतर है। अभी है वो बेहोश, कनूदगी में थी, होश में नहीं आई थी, लेकिन हम लोग फिर अब घर जा रहे हैं क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, सिस्टर की तरफ छोड़े हुए हैं। अभी उनको बस लेकर वापस घर जाएंगे, फिर शाम को दोबारा इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि उसको शाम तक ही होश आएगा। और अभी इस टाइम 12 बज चुके हैं, तो बस 12 बजे अब हम वापस जा रहे हैं। हम सुबह 8 बजे आ गए थे हॉस्पिटल, तो बस सुबह तो टेंशन थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो वगैरह नहीं शूट कर रही। तो अभी थोड़ा मुतमईन हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो काफ़ी बेहतर है। तो फिर मैं सोचा चले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को इन्फॉर्म कर दूँ कि जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ऑपरेशन हो गया। फिर भी आप लोगों की सबकी दुआ की ज़रूरत है, आप लोग दुआ कीजिएगा उसके लिए। तो बस अभी हम घर की तरफ ही जा रहे हैं, और यहाँ पर हमारी इफ्तारी तैयार हो रही है। मैं कमरे में बैठा हुआ था, वरना मैं काम ही बचता हूँ। अभी मुझे ना थका हुआ था ना, इस वजह से ये जूस बन रहा है और ये सब कुछ, ये सारा। तो यहाँ पर ये आलू कट हो चुके हैं और ये आग चल रही है, सिर्फ एप्पल भी कट गए हैं और बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। दो दिन भरपूर इफ्तारी करने के बाद आज हम सिंपल सी इफ्तारी कर रहे हैं, सिर्फ पकोड़े बना रही हूँ, फ्रूट्स कट कर रही हैं, स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया और जामी शीरी बना लिया है, दैट्स इट। बस आज कुछ भी फल तो नहीं होगा, तो बस ये तैयारी करते हैं, फिर इफ्तार होने वाली है, इफ्तार करते हैं। इफ्तारी के बाद जी नमाज शमाज अदा करके बर्तन वॉश करके भी फिर से जा रहे हैं हम हॉस्पिटल भांजी का पता लेने के लिए, क्योंकि सुबह जब हम आए थे वो उस टाइम होश में नहीं थी। तो अभी जा रहे हैं, पता तो किया था उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर है, लेकिन खुद जाके जब देखेंगे अपनी आंखों से तो हमें ज़्यादा तसल्ली हो जाएगी। तो बस इसीलिए भी जा रहे हैं हॉस्पिटल, अभी आप ही की तरफ जाएंगे, वहाँ से मामा को लेंगे और मामा भी जाएंगी। वो हॉस्पिटल में ही थी लेकिन फिर वो आ गई थी घर, तभी उनको दोबारा साथ लेके जाएंगे। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है, अल्लाह ताला उसे सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो अभी चल के देखते हैं फिर भी वो कैसी है। ये देखें कैटी कहाँ से निकली है, कैटी कैट यहाँ पे छुपी हुई है और यहाँ से निकल के देख रही है। अब नहीं देख रही। तो आज जी रमज़ान के इस मुबारक महीने में आया है मेरे लिए सरप्राइज़, और वो सरप्राइज़ है बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत खूबसूरत जो है ना सरप्राइज़ है। और वो सरप्राइज़ है क्या,
क्या दिखा दूँ, दिखा दूँ, हमारी निशा बाजी नहीं, हमारी ईवी निशा मेरे लिए आई है, जिस स्कूटी आई है, क्योंकि मुझे बहुत शौक था शुरू से स्कूटी लेने का, तो ये ख्वाब मेरे हस्बैंड ने पूरा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने मुझे आज ला के सरप्राइज़ दे दिया कि ये लो जी, स्कूटी का शौक था, स्कूटी स्कूटी करती थी, लो स्कूटी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 स्कूटी भी मुझे मिल गई है। अभी इसको हमने अनपैक नहीं किया, इसको अभी हम करेंगे आप सबके सामने अनपैक। तो गाड़ी हमने जब ली थी तो वो भी हमारी रमज़ान के महीने में आई थी, जब हमने मोटर बाइक ली थी ये वाली, तो ये भी हमारी रमज़ान के महीने में आई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी स्कूटी आई है तो वो भी रमज़ान ही के महीने में आई है। तो स्कूटी आ गई है, तो अभी हमने अभी तक इसको अनपैक नहीं किया, इसको बिल्कुल भी हमने जो है ना खोला नहीं है ज़रा सा भी। और सिर्फ अभी बस लाते ही इसको हमने, जैसे हमें डिलीवर हुई है, हमने इसको चार्जिंग पे लगा दिया था, फिर हम हॉस्पिटल चले गए थे, और अभी हॉस्पिटल से हमने वापस आए हैं। रात के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं या 11:15 आई थिंक। तो इसी टाइम मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए लाजमी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उनके साथ मेरी खुशी शेयर करनी है, तो इसको हम अनपैक करते हैं। तो चलें इसको अनपैक करते हैं, इसका पूरा आपको रिव्यू देते हैं। चलानी मुझे अभी नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता सीखूंगी भी, आप सबके साथ अपनी सीखने की जर्नी भी शेयर करूंगी। कुछ चोटें लगेंगी, कुछ गिरेंगे, कुछ पड़ेंगे, लेकिन सीख ही लेंगे इंशाल्लाह। तो चलें अभी करते हैं जी इसकी अनपैकिंग। तो चलें जी करें अनपैकिंग इसकी, हाँ चलें करें, आप खुद करें अपने हाथ से। अच्छा अनस और हरम करेंगे आधी आधी अनपैकिंग इसकी। बैटरी इसकी पूरी होगी आई थिंक, है ना? अभी नहीं हुई, 4 से 5 घंटे उन्होंने बोला था, 4 घंटे से ज्यादा नहीं हो गया? वो कह रहे थे 100 पे जब फुल हो जाएगी वो स्टक हो जाएगा। तो फिर इसको भी यहाँ से उठा के कहीं रखे ना हम, ताकि इसको अनपैक करें। ये तो मैं तो कहता हूँ ये वाला शॉपर लगा। अच्छा ये लगा रहे, बाकी अनपैक करते हैं। हाँ वो तो पता ही है सबको, रक्सीन कैसी थी, ये फिर सुबह में कर लेंगे, वो सबको पता ही है ब्लैक कलर की रक्सीन होती है उसके ऊपर। कैंची से नहीं, ऐसे ही इसको आराम आराम से उतारो, ये साइड से उतर जाएगी। आराम आराम से, इतनी बेदर्दी से नहीं करो, ये बेचारा फिर। अच्छा आप छोड़ो, पापा करेंगे अनपैक, छोड़ो आप दोनों। अच्छा मैं आप पापा कैंची से करेंगी, एक मिनट पापा करते हैं। तो जी भी हमारी ईवी निशा जो है वो अनपैक हो रही है, और मेरा दिल थक थक कर रहा है, क्योंकि मेरा बहुत 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 पहले से बहुत पुराना ये ख्वाब था कि मैं कभी स्कूटी लूँगी, जबकि स्कूटियाँ इतनी ज़्यादा चलाई भी नहीं जाती थी, इतनी था कि जो है ना लड़कियाँ चलाती हैं स्कूटियाँ। मुझे तब से शौक है स्कूटी का। ये तो वो हो गया कि हमारे वजीर आजम कैसा होना चाहिए, पिंक कलर का। तो वो है कि जी स्कूटी कैसी होनी चाहिए, पिंक कलर की। हरम आप उठो, मुझे पूरा रिव्यू देने दो इसका, उठो। मामा ये शापक में उतारेंगे, इतना बुरा लग रहा है। अभी नहीं, सुबह में उतारेंगे उसको, दिन की रोशनी में। और ये देखिए कितना प्यारा कलर है, वो भी मेरा फेवरेट है। ईवी निशा, निशा अरबी में कहते हैं जी औरत के, वो लेडीज को, वोमेन को। तो ये वुमेन्स के लिए ही बनाई गई है, इसलिए इसका नाम ही ईवी निशा रखा गया है। और ये देखिए इसका मीटर है ऑन करें। अच्छा ये भी इसका जो ना ये चीज़ गंदी हुई है, गर्द वाली हुई है, वरना मीटर साफ है इसका। ये ना उतारें इसका, आप नया लगवाएंगे ना, है ना, फिर उतारेंगे इसको, स्क्रैचेस पार देंगे। ये वाला उतार देंगे, उतार दें। ये इसका डिजिटल मीटर है, अभी ऑन करके आपको दिखाएंगे इसको। नहीं इसके अभी नहीं करना अनस। और ये इसके बैक व्यू मिरर है। हरम मैंने नहीं किया, बस ये सीटियाँ बहुत मार रही है, क्योंकि अभी हमें इसके फंक्शंस का अच्छे से नहीं पता, तो ये सब कुछ हम सुबह ही देखेंगे। मम्मा ये जो आप कहती थी इसको हाथ लगाने से, वो भी अनस ने हाथ लगाया था तो बोली थी ना, कह रही थी अनस नहीं तंग करो। अच्छा इसके साथ फुट मैट भी मिला हुआ है हमें। ओह माय गॉड।
चले फुल अनपैक करके ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वो तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है। देखें जी ये इसका डिजिटल मीटर ऑन हो गया है, ये देखें ये इसका डिजिटल मीटर ऑन है, और बैटरी इसकी ये देखें सिर्फ एक जो है ना वो रह गया है सेल इसका फिल होने में। नहीं रेड वाला भी एक रहता है ना? नहीं वो रेड वाला जो लास्ट हो ना वो ऑप्शन होता है कि एक ये रेड तब। तो ये देखें जी ये इसकी फाइनल लुक है, ये देखें वाओ। दूसरी लाइट भी ऑन करें ना ये वाली, वाओ। सुबह लाइट में इंशाल्लाह आपको पूरी तरीके से इसको दिखाएंगे, ये वाला ज्यादा प्यारा लग रहा है। सुबह इंशाल्लाह हम ट्राई भी करेंगे इसको, ये देखना सीखना भी स्टार्ट करेंगे। और सुबह वाओ ब्यूटीफुल, लेकिन सुबह बाहर से ही अच्छे से रिव्यू देंगे क्योंकि अभी अंदर उस तरह अंधेरा भी है ना, अच्छी सी लाइट नहीं है। तो सुबह आपको दोबारा से इसका अच्छे से रिव्यू हम देंगे, ठीक है, ओपन करके सब कुछ अच्छे से दिखाएंगे। तो बस अभी चलते हैं सोने के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गए, थकावट भी बहुत ज़्यादा हुई भी है। तो अभी चलते हैं सोने के लिए, और आप सबसे फिर एक दफ़ा यही गुजारिश करूँगी कि मेरी भांजी के लिए बहुत सारी ढेरों सारी दुआएँ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। आप सब भी हमारी दुआ में हमेशा रहेंगे, और इसी के साथ दीजिए ज़्यादा ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, कल नए ब्लॉग में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।